जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पहली बार अगर किसी नेता ने बाजी मारी है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुसलमानों की जो संख्या 18% बताई गई, उसके बाद नीतीश ने एक अन्य मार्ग में सबसे पहले मुसलमानों को बुला लिया और नसीहत किया दी सियासत में, इसलिए कि 24 और 25 का चुनाव होना है। माई समीकरण के राज्य में नीतीश ने जो दलित पिछड़ा मुसलमान की राजनीति की शुरुआत की है उसका आगाज आज ही से हो गया है। कुछ लोग मुख्यमंत्री आवास से अभी भी निकल करके आए हैं। क्या मौलाना, क्या बात हुई वहाँ? वहाँ पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को बुलाया जो लोग पार्टी से भी थे और वैसे लोग जो सामाजिक हैं, जो काम करते हैं समाज के हित में, उन लोगों को ही बुलाया। सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं, बस वो लोग जो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के मिशन को आगे बढ़ाते हैं पार्टी के बाहर भी रह के। मिशन उसे नहीं, लालू यादव को हराने के लिए वहाँ पर कुछ बात हुई? लालू यादव से क्या मतलब है? बिहार के समीकरण है, मुसलमान उन्हीं को वोट देता है। बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी की बात की है ना, 18 साल बेमिसाल, और इसी चीज की 18 साल बेमिसाल, 18% मुसलमान नीतीश के साथ, तो 18 साल में 18% आया ना सामने। अब इसमें शेख भी है, पठान भी है, सैयद भी है, सुरजापुरी मुसलमान भी है, उसमें अंसारी भी है, लेकिन एक नंबर जिसका स्थान है अब सबको मिलेगा। अब कोई नहीं कहेगा कि हम 90%। लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन क्या है कि जितना हिस्सा, जितने लोग हैं उतना हिस्सा। अब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि अब सब लोग मिलकर एकजुट होकर 24 की तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो मैंने काम किया है 18 साल में अल्पसंख्यक के लिए, बस उसी को आगे बढ़ा देना है, यही तो सच्चे समाजवादी का काम है। सवाल ये भी तो है ना कि लालू यादव को मुसलमान वोट करता था, नीतीश कुमार बाजी मार गए, पहली बार मीटिंग बुला लिया गन्ना की रिपोर्ट आने के बाद, तो कुछ तो टिप्स दिया होगा कि मुसलमान उधर नहीं जाना, इधर रहना है। देखिए गणना तो वो किए 10 में हुआ था, उसके बाद ये किए ना बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी किए, तो सिर्फ एक तरफ की बात की। बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी जब इंडिया लाए, इंडिया कौन लेके आया? वही लेके आया ना। भारत की आज़ादी की तारीख कहाँ से लिखी गई? बिहार से लिखी गई। और इस वक्त देश जब कराह रहा था, इस वक्त जब संविधान पे हमला हो रहा था, जो लोग दिल्ली में बैठकर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे उसको बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने रोक दिया उस रथ को कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 350 मेरा होगा, उसके बाद ही कोई बात होगी। सुनने में आया कि सीएम जब आए आप लोग के सामने तो कहा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, इसमें कौन परेशानी की बात है? कहीं सलाम कर देना, कहीं प्रणाम कर देना, कहीं आदाब कर देना, अरे यही तो भारत की संस्कृति है कि कहीं टोपी लगा के होंगे, कहीं तिलक लगा के होंगे, इसमें कोई परेशान होने की लोगों को जरूरत नहीं है। लोग तो बेचैन होंगे कि बंद कमरे में सीएम ने क्यों बुलाया ये 400 लोगों को, और ऐसी ऐसी चीज, ऐसा ऐसा मंत्र दिए है ना कि अभी इसको बताया नहीं जाएगा, इसको छुपा नहीं, नहीं खुलासा कैसे कर, बात अंदर होगी और इसको खुलासा किया जाएगा, इसको छुपा कर रखिए, ये मूल मंत्र दिया है उन्होंने। पार्टी के जो लोग भी, वो लोग भी थे और जो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार के लिए अपने दिल में जगह रखते हैं, समाज में काम। डांट डपट भी किया आप लोग को मुख्यमंत्री के, ऐसे करो ऐसे करो? मुख्यमंत्री किसी को डांटते हैं? डांटते हैं उसको जो जात के नाम पर सियासत करते हैं, जमात के नाम पर सियासत नहीं करते हैं, उसको डांटते हैं। सबकी बात होनी चाहिए, सिर्फ एक कम्युनिटी को कोई परेशान नहीं कर सकता है। कुछ लोग आजकल पद पा गए ना तो एक एक कम्युनिटी के मदरसे में घुस जाएंगे, एक ही कम्युनिटी के स्कूल में घुस जाएंगे, तो इसलिए वैसे लोगों से बचना है और वैसे लोगों से समाज को भी बचाना है। इसलिए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी हैं, सबकी बात करते हैं। सीएम से मुलाकात हुई? देखे बिल्कुल हुई, खुशी लगा पहली बार आ रहा है? खुशी क्या, तो हम लोग तो कई बार मिले हैं और इस बार तो जो है एक अच्छा लगा हम लोगों को। इस बार जातीय जनगणना के बाद से सीएम का भाषण अच्छा लगा? मुसलमान को लुभाने के लिए कुछ कहा? देखिए उनका हमेशा भाषण अच्छा, भाषण नहीं, उनकी कार्यशैली जो है और ख़ास करके जो काम किया है अपने 18 साल के शासन में माननीय मुख्यमंत्री ने, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जो है आपने सवाल किया जातीय जनगणना पर, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं और ये माई गठबंधन माई समीकरण की आपने बात किया, राजनीत जो है मैथमेटिक्स नहीं है, राजनीत केमिस्ट्री है। और जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़े
सचमुच जो अब किसी की कोई समीकरण की बात नहीं हो रही है। जो जो कदम नीतीश कुमार ने उठाया है वो बिहार ही नहीं और पूरे भारत की राजनीति में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और ये 37% पिछड़े बनाएंगे आप बिल्कुल प्रधानमंत्री आज देश की आवाज़ वो बनने जा रहे हैं। जिस तरह से जातीय गणना की पूरे भारत के राज्यों में मांग होने लगी है उसी तरह से वह भारत में भी आवाज़ बन रही है और बड़ी बड़े चैनल दिखाना शुरू किए हैं कि मोदी भर से नीतीश कुमार की लड़ाई। अच्छा, मौलाना सलाम किया नीतीश कुमार ने, जवाब दिया आपने? जी जवाब दिया, अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। कुछ बात बात हुई कि कैसे करना है क्या करना है? बहुत सारी बातें हुई हैं बातों, लेकिन खुलासा भी नहीं, खुलासा नहीं करना है। बताया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसको मूल मंत्र को छुपा के रखिए, इसलिए जादू है सियासत में। न्याय के साथ विकास की बात है, छुपाना क्यों नहीं है? बंद कमरे में बात होगी, छुपाया नहीं जाएगा उसको, आपको बता दिया जाए पहले ही, तो सारा चीज गड़बड़ होगा। आपका तो काम ही है कि पता 18% लोग नीतीश कुमार के साथ है, पूरा एक तरफा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा कैसे। देखिए, शेख पठान सैयद और अंसारी धुनिया हजाम 18 साल में बिहार के वजीर नीतीश कुमार ने सबको जोड़ा। अब इसको जो 24 में वो ले जाना चाह रहे हैं, कैसे लेकर जाएंगे? अब जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, मैंने एक बार कहा था कि 12% आबादी इन लोगों की है और ये छूट रहे हैं, ये पीछे हो रहे थे, अब सबको जोड़ कर लेकर चलना है। और अल्पसंख्यक पूरा खुश है इस वक्त पूरे भारत के अंदर कि नीतीश कुमार आएंगे, बिहारी प्रधानमंत्री होगा और साथ ही साथ ऐसा विकल्प पैदा हो जाएगा। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को माना पड़ेगा, विकल्प पैदा होगा। बड़ी भविष्यवाणी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके, एक अनुमार्ग से लोग आ रहे हैं। इनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने जो बात की है, जो पुड़िया दिया है सियासत में, उसके बारे में खुलासा नहीं करना है, लेकिन नीतीश कुमार ने विश्वास बढ़ाया, लोगों का विकास किया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ने पहली बार मुसलमानों को बुलाया था, एक बड़ी आबादी बिहार में है और इन सारे मामलों को लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुख्यमंत्री ने आज मुलाकात की है।